आपका अपना चैनल न्यूज़ TNN लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। संसद के दोनों सदनों में चालू बजट सत्र के पांचवें दिन भी कार्यवाही नहीं चल सकी। हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 20 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। आज राहुल गांधी भी संसद में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। दिल्ली लीकर स्कैम पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप सरकार को घेरा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुधांशु त्रिवेदी ने संबोधित करी। उन्होंने कहा कि कट्टर ईमानदार कहने वाले निकले झूठों के सरदार। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इसी कड़ी में आज राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की पेशी हुई थी, जिसमें मनीष सिसोदिया के रिमांड को 5 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की शिकायत के बाद कल पुलिस ने डिजाइनर अनिष्का अनिल को गिरफ्तार कर लिया था। अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने वाली बुकी की बेटी अनिष्का को आज मुंबई पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ऑक्सफोर्ड यूनियन की ओर से बहस के लिए बोलने के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। उन्हें इस विषय पर बोलने का बुलावा दिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत सही रास्ते पर है या नहीं, जिसे वरुण गांधी ने ठुकरा दिया। गैंगस्टरों की लड़ाई खालिस्तान पर आई। लॉरेंस बिश्नोई पर भड़का अमृतपाल सिंह, एक और गैंग भी कूदा इस लड़ाई में। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई के बयान पर कहा कि सरकारें तो सिखों के खून की दुश्मन हैं, बाकी लोग जो मर्जी करते रहें। अमृतपाल सिंह ने कहा कि ये तो लॉरेंस को मंत्री भी बना सकती हैं। शिवसेना के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट से सवाल किया कि जब उन्होंने विश्वास मत का सामना किए बिना इस्तीफा दिया है, ऐसे में उस सरकार को कोई कैसे बहाल कर सकता है। पीएमओ डायरेक्टर बताकर रसूख दिखाने वाला फर्जी आईएएस पकड़ा गया। कश्मीर पुलिस ने फर्जी आईएएस किरण पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। किरण पटेल खुद को पीएमओ के असिस्टेंट डायरेक्टर बताता था। भारत में फिर डरा रहा है कोरोना। 109 दिन बाद 5000 के पार हुए एक्टिव केसेस। केंद्र सरकार ने 6 राज्यों को किया अलर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद इन दिनों सुर्खियों में हैं। उनके रिसेप्शन में पहुंचे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ TNN।